हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं, आज है रविवार। जैसे में कि हमारे घर के बच्चे आज घर पर है, तड़का काफ़ी मचाने वाले हैं। तो गाइस, जैसे में कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम बनारस में क्या चल रहा है। तो गाइस, इस टाइम ड्रोन कैमरे से लाइट शो चल रहा है, काफ़ी अच्छी नज़ारे इस टाइम, अद्भुत नज़ारे हैं गाइस। जैसे में कि नमो घाट हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, आरती के नज़ारे हो गए, और नावों के बहुत ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ की फेमस है जो कि हम खुद नहीं जानते। तो गाइस, वहाँ पर दिखाया जा रहा है, कृपया कर आप लोग जाइए। ये नज़ारे इस टाइम आरती होने के बाद ही दिखाया जाता है गाइस, तो इस टाइम आप लोग ज़रूर जाएं। दर्शन करने के बाद माँ गंगा तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता ना था। अब श्रद्धालु कॉरिडोर से सीधे माँ गंगा के चरणों को छू सकते हैं। दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब काशी वासियों ने मोदी जी को अपना सांसद चुना, तब उन्होंने कहा ना था, अब श्रद्धालु कॉरिडोर से सीधे माँ गंगा के चरणों को छू सकते हैं। तब उन्होंने कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल बाद मोदी जी भावुक होकर कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने गोद दे दिया है। समस्त भारतवर्ष की और मोदी जी की ही माँ समान गंगा की आरती ने विश्व भर के श्रद्धालु धन्य धन्य हो जाते हैं। एक तरफ सुंदरता अपार, दूसरी तरफ सुविधाएं शानदार। तभी तो देश कहता है, फिर एक बार। एक बार मैंने मोदी जी को कहते हुए सुना था कि पहले काशी वासियों ने मुझे अपना सांसद बनाया, और इन 10 सालों में प्रेम के रंग में पूरा रंग कर बनारसी बना दिया। बनारस का एक और रंग देखिए, नमो घाट। नमो घाट हम बनारसी लोगों का धरती माता और माँ गंगा को ग्रैटिट्यूड दर्शाता है। शांति, तृप्ति और संतुष्टि की अनुभूति यहाँ आकर होती है। तभी तो आज पर्यटक कहते हैं काशी से प्यार, और कहते हैं फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। काशी से मोदी जी का नाता केवल जन प्रतिनिधि का नहीं है, बल्कि उससे बहुत गहरा है। ये रिश्ता सतत विश्वास का है, असीम विकास का है, जिसका सबसे विशेष उदाहरण है भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के दर्शन करने हेतु अब सक्रिय कलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। तीर्थ परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट तक चौड़ा हो गया है। पहले जहाँ बाबा के दर्शन करने हेतु मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, अब उसी परिसर में 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। इसीलिए तो काशी की एक ही एक बार, फिर एक बार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
काशी में विरासत और विकास दोनों के नए द्वार खोले, द्वार क्या समृद्धि के नए मार्ग खोले। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो 3,200 किलोमीटर का सफर 51 दिनों में पूरा करता है और 50 से अधिक जगहों को दिखाता है। ये जहाज प्राचीन नगर और पवित्र नदी दोनों के दर्शन कराता है। फ्रेंड्स, हमारे पीएम मोदी जी के विजन के क्लैरिटी और एक्शन की स्पीड से भारतीय रेलवे का नजारा ही बदल गया। 160 किलोमीटर